अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान सी रेसिपी जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं, उनको मिक्सी में डाल लेंगे। पील आउट कर लिया इनको मैंने और छोटे पीसों कर लिए हैं। उसके बाद मैंने लिया है एक अदर टमाटर मीडियम साइज़ का, वो डाल देंगे, और दो कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं। अगर आपके पास लहसुन पाउडर हो तो वो भी बेस्ट है। उसके बाद मैंने लिए हैं तीन अदर अंडे, वो भी इसमें डाल देंगे, और दो अदद हरी मिर्चें, इनको डाल देंगे इसमें। मोटा मोटा सा काट के ये ब्लेंड हो जाएंगी इसमें। ये हरी मिर्चें बड़ी वाली हैं, ये तीखी नहीं है, सिर्फ फ्लेवर के लिए हैं। और अब इसमें हम डाल रहे हैं 300 ml दूध, और इसके साथ ही मैं इसमें 5 से 6 टेबलस्पून मैदे के लेंगे हम। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, उससे थोड़ा सा कम। सुरख मिर्च वो भी 1 टीस्पून डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि ये बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। जैसा कि ईद आ रही है तो ईद पे हर घर में कोई बच्चा ऐसा ज़रूर होता है, एक आध बच्चा जो कि अपना ही हड्डा डाल के रखता है, मैंने बोटी नहीं खानी, मैं ये खाऊँगा। काली मिर्च 1 टीस्पून, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम लोग चाट मसाला, इसको चटपटा करने के लिए। चाट मसाला आप हसबे जायका डाल सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट चला लेंगे। ये जी हमारा थिक सा एक पेस्ट तैयार हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे एक लीमू का जूस, और इसमें आप जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट करते जाएंगे उतना ही ज़बरदस्त बनता जाएगा। और अगर सादा सा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बाकी इजाफी चीज़ें ऐड ना करें, बस जितनी हमने कर ली हैं वही बहुत हैं। एक लीमू का जूस डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे सब्ज़ धनिया जो कि इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर लाएगा, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, लेमन भी और धनिया भी। जी सबसे पहले हम पैन को ग्रीस करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, और इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग हमारा पेस्ट, और इसे थोड़ा सा फैला देंगे ऐसे। और इसे 1 से 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे, और इसी तरह 2 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे, और हमारे ये पोटैटो क्रिप्स तैयार हो जाएंगे बहुत ही प्यारे से। ये देखिए ये पकता जा रहा है, अब इसकी दूसरी साइड में भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। इसे क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं पैन के साथ और अच्छे से पक जाएगा। जी तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम पलट लेंगे, देखें कितना ज़बरदस्त। ये जी हमारा पोटैटो स्नैक जो है वो तैयार हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे, आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। जी आप भी बनाएं और बताएं कैसा लगा आपको, और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा लें। ये जी हमारे पोटैटो क्रिप्स तैयार हो चुके हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं, और देखें कैचअप के साथ लें या दही के रायते के साथ लें, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे।